अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो कल बकरीद थी और आज बकरीद का दूसरा दिन है। कल मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिला कि मैं कोई भी ब्लॉग अपलोड कर पाती या शूट कर पाती, क्योंकि अप्पी आई हुई हैं, बच्चे हैं, तो माशाल्लाह सब बहुत शोरगुल है घर पर, बहुत अच्छा भी लग रहा है, तो बिल्कुल मुझे वक्त नहीं मिला। तो आज बकरीद का दूसरा दिन है और आज आए हुए हैं मेरे पापा, मतलब हानिया के नाना। तो आज हानिया की तो बहुत ही मज़े है क्योंकि नाना आए हैं, बहुत सारे टॉयज़ लेके आए हैं, बहुत सारे खिलौने लेके आए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुश है और अभी वो खेल के सोई हुई है। तो चले मैं आपको उनके टॉयज़ दिखाती हूँ। तो ये देखें हानिया के टॉयज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे हैं। ये चॉकलेट्स पापा लेके आए हैं, डॉल है, बहुत सारी कार है। ये डॉल बहुत प्यारी लगी मुझे, तो बहुत ही प्यारी लगी। हानिया बहुत ही ज़्यादा खुश थी, उसने उसकी चोटियाँ भी बना दी, बोली मम्मा चोटियाँ बनाएं, तो मैंने चोटियाँ भी बना दी। स्पाइडर मैन है हानिया का, तो आज बहुत 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 खुश थी। बॉल है, बैडमिंटन है, एंड इस साइड ये बैडमिंटन है। तो देखें अकेले किसके साथ खेलेगी, इस वक्त तो अप्पी के बच्चे हैं। ये डॉल है और एक साइड में ये भी दो छोटी छोटी सी डॉल हैं, बहुत ही क्यूट दिख रही ना। और इधर ये केक था, इस साइड हानिया का मेकअप बॉक्स है, उसको बहुत वैसे भी शौक है मेकअप का। तो ये छोटा सा मिरर है, नेल पेंट्स है, ये बहुत एक साइड इधर डॉल रखी, ये भी बहुत क्यूट है। इसका आते ही हानिया ने मेकअप करना स्टार्ट कर दिया, इसके फेस पे आप देख सकते हैं उसने कैसे पेंट से उसका मेकअप किया हुआ है। और यह है हानिया का परफ्यूम, बहुत ही क्यूट सी बॉटल है ना, बहुत ही अच्छी है, इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी है। तो हानिया को इन सब का शौक भी बहुत है और उसको मिल भी गया, उसके नाना लेके आए इसको। तो ये देखें इसकी हेयर क्लिप है, ये पॉपेट है, छोटी छोटी सी कार हैं बहुत सारी। ये देखें, तो अभी तो हानिया सो रही है इसलिए मैं आप लोग को आराम से दिखा रही हूँ, वरना वो इधर उधर लेके भाग रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बोल रही थी सब मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। तो अभी तो वो खेल के सो गई है। तो बहुत ही सारे टॉयज हैं। तो ये देखें डॉक्टर हानिया कैसे बेबी की हार्ट बीट चेक कर रही है बहुत ही मज़ा है, किसी पर ध्यान नहीं है उनका, सिर्फ अपने टॉयज पर ध्यान है, बहुत ही मज़े कर रही है, खेल रही है, किसी को नहीं छूने दे रही है। तो अभी देखें कैसे लगी हुई है, वो अपनी सारी डॉल्स को सारा इकट्ठा करके रखा हुआ है कि कहीं कोई उठा ना ले, लाइबा ना ले ले तो अभी देखें कैसे खेल रही है। स्पाइडर मैन है, बेबी को बोल रही है मैं सुलाऊंगी, मेरा बेबी है। तो अभी उसकी हार्ट बीट चेक की है, अब उसको कैसे देखें सुला रही है, कितनी प्यारी सी क्यूट क्यूट सी डॉल है हानिया की तरह। हानिया को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी खेले, वो एक एक करके सारी उठा रही है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने किचन की तरफ और सबकी फरमाइश से बनाने वाले हैं मटन चटकारा बोटी, बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मजा आने वाला है बनाने में भी और खाने में भी, तो चले बनाते हैं। तो ये हमने 1 kg मटन ले लिया है, बिल्कुल ड्राई पीसेस और इस तरीके की छोटी छोटी हमने उनकी पीसेस कर ली है और इनको हमने बॉईल कर लिया है अदरक लहसुन के पेस्ट में, नमक हल्दी और अदरक लहसुन के पेस्ट में हमने इसको बॉईल कर लिया है और ये पीसेस हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं और गल चुकी हैं। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं कुछ मसाले। तो ये कुछ मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, हमने लिया है 1 tablespoon तक ये धनिया ऐसा कूटा हुआ, 1 teaspoon कूटा हुआ लाल मिर्च, 1 teaspoon हमने लिया है गरम मसाला पाउडर, 1 teaspoon लिया हमने रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर। तो हम इसको इसी में ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 नींबू का रस। अब साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon तक अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने 8 से 10 हरे मिर्चे ले लिए, उसको इस तरह से दरदरा सा मोटा सा कूट लिया है, वो भी हम इसको ऐड करेंगे और इसका जायका इसमें बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अलग टेस्ट आता है। नमक ऐड कर लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 tablespoon तक कॉर्नस्टार्च ताकि हमारे जो मसाले हैं वो बोटियों में अच्छे से लिपट जाएं। ऐसे क्या होता है ना, फ्राई करते हुए मसाले अलग हो जाते हैं और बोटियां अलग हो जाती हैं, तो
इसके लिए हमने इसमें कॉर्न स्टार्च डाला है। अभी इस तरह जरूर डालें और फ्राई करें तो आपके मसाले बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। तो चलें अब हम इनको कर लेते हैं मिक्स। तो ये देखें हमने सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और आप चाहें तो इसको मैरिनेट भी कर सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप फौरन फ्राई कर लें। तो मुझे तो जल्दी है, मैं फौरन फ्राई करने जा रही हूँ इसको। तो चलें रखते हैं ऑयल और करते हैं इसको फ्राई। तो ये हमारा ऑयल अच्छे से हीट हो चुका है और हम फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे कर देंगे और अब हम डाल देंगे अपनी मटन बोटियाँ। हमें इसे हाई फ्लेम में बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, इसलिए हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करेंगे फ्राई। तो ये हमारी बोटियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखें बनकर तैयार है हमारी मटन चटकारा बोटी, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लजीज बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, यकीन माने आपको भी बहुत अच्छी लगी है, वो जितनी अच्छी दिख रही है उतनी टेस्टी बनी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।